हम लोग गुप्तकाशी से गौरीकुंड जाएंगे, जो कि हम लोग कैब में बैठ चुके। तो भाई साहब अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट करीब में भोलेनाथ के। तो भाई रेडी हो जाओ दर्शन करने के लिए। बहुत जोर का बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गया मेरे भाई, ये देखो ना। तो भाई साहब अभी हम लोग गुप्तकाशी आ चुके थे, तो आने के बाद यहाँ हम लोग ने एक कैब बुक किया, जो कि हम लोग गुप्तकाशी से जाएंगे। किधर जाएंगे गुप्तकाशी से? गौरीकुंड। तो अभी हम लोग गुप्तकाशी से गौरीकुंड जाएंगे, जो कि हम लोग कैब में बैठ चुके हैं सब लोग। शेयरिंग कैब है, तो पर पर्सन 100 रुपये है यहाँ से गौरीकुंड जाने के लिए। तो आप अगर कभी आओगे तो आपको जाने में ईजी पड़ेगा। तो जिधर आपको बस उतारेगी उधर ही बाजू में सब कैब लाइन से लगी रहेगी, तो आप जा सकते हो। तो अभी गोस्वामी और आकाश बैठे हैं कैब में। तो ओ भाई पब्लिक बैठ चुकी है, हम लोग अभी निकलने वाले इधर से। जो कि हम लोग कैब में बैठ चुके हैं। तो भाई फाइनली हम लोग सोनप्रयाग आ चुके हैं। तो अभी बस उतरने के बाद आगे की साइड हम लोग जाएंगे, तो वहाँ पे अपने को रिक्शा मिलेगा। तो हम वहाँ रिक्शा या कुछ मतलब अपने को गाड़ी मिलेगा, देखते क्या मिलता है। फिर वहाँ से अपने को वो रिक्शा या मारना पड़ेगा जो कि हम लोग को गौरीकुंड छोड़ेगा। तो गौरीकुंड से फिर अपने को चल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, या फिर आप घोड़े या ऐसा कुछ मतलब करके जा सकते हो। आगे रहेगा आपको सिस्टम मिलेगा, बट इधर तो अभी आपको रिक्शा ही मिलेगा गौरीकुंड तक। क्या हुआ? तो अभी तो निकल गए हम लोग, देखते हैं आगे गौरीकुंड के लिए रिक्शा मारते हैं, देखते हैं कितना लेता है। अभी तो फिलहाल निकल चुके हैं। भाई साहब मज़ा आ रहा है, सच बोलूँ बहुत लोड है यार मेरे ऊपर, और ठंडी भी लग रही है। आप पीछे देख सकते हो पब्लिक बहुत जा रही है यार। मोबाइल कवर। तो आपको गौरीकुंड पहुंचने के बाद हम दिखाते हैं उधर फिर कैसे अपने को चल के जाना है। फिलहाल के लिए तो अभी चल के जा रहे हैं। आकाश वो लोग पीछे हैं यार, बहुत स्लो चल रहे हैं, देख रहे पीछे आ रहे हैं वो लोग। सिस्टम है, बहुत पब्लिक जाती है यार। आपको मैं बैकग्राउंड व्यू दिखाता हूँ। I don't mind a little rain on my suit. A little bit of anger makes you cute. We've been watching. भाई तो एक बैग थोड़ा सा हम लोग का क्रैक हो चुका है, तो अभी वो गोस्वामी बनवाने के लिए एक मोची के पास खड़ा है। आप जो ले लीजिए दाता, यहाँ पे रहा है तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? इसीलिए तो मैं दाता से पूछ लिया। दाता भगवान होते हैं, आपका ये भगवान आपको दे रहा है। बिल्कुल सर, अभी तक पड़ी है। क्या वो होटल में अब महादेव के वहाँ आए हो तो ऐसी बातें करो जिससे कि अच्छी बात तो सब खेले कुछ के जाओ जरूर। तो भाई साहब ये ब्रिज देखो, आपको ये ब्रिज क्रॉस करके जाना रहेगा अगर आपको गौरीकुंड के लिए अगर कुछ पकड़ना है रिक्शा वगैरह। तो भाई साहब गौरीकुंड के लिए हम लोग को बस मिल जीप मिल चुकी है, तो बैठ के हम लोग अभी जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। तो पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज है इधर से जाने के लिए, और देखते हैं कितना टाइम लगेगा अपने को गौरीकुंड जाने के लिए। तो उधर से फिर हम लोग निकलेंगे केदारनाथ के लिए। तो अभी तो फिलहाल यहाँ से चल के
बहुत सारे लोग जा रहे हैं, खच्चर वगैरह बहुत, पब्लिक बहुत है यार, मतलब जबरदस्त भाई लोग बैठे इधर सामने। तो भाई साहब अभी हम लोग पल चल के जाने वाले हैं क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, आप पीछे देख सकते हो। देखते हैं यार, यात्रा तो बहुत लंबी है। हाँ भाई चलो चलो, हर महादेव। एक मिनट भाई, एक मिनट, हर हर महादेव। तो भाई निकल चुके अभी गौरीकुंड के लिए, तो अभी हम लोग चल के जाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहो लास्ट तक। तो भाई साहब फाइनली गौरीकुंड हम लोग आ चुके हैं। तो भाई साहब उधर लिखा है आप देख सकते हो। तो अभी गौरीकुंड में देखते हैं हम लोग लगेज वगैरह रखने का कुछ जुगाड़ देखेंगे, होटल वगैरह उधर लगेज रखेंगे, फिर निकलेंगे हम लोग केदारनाथ के लिए। तो भाई साहब अभी हम लोग गौरीकुंड में आए हैं, जो कि अभी मैं इधर थोड़ा स्नान मुंह धोने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो गौरीकुंड है, देख रहे हो लोग नहा, एकदम गरम गरम पानी, इधर भाप निकल रहा है, बहुत गरम पानी है आप देख सकते हो। और अभी मैं भी थोड़ा जा रहा हूँ इसमें स्नान कर लूँगा। तो भाई साहब अभी हम लोग गौरीकुंड में स्टे कर लिए हैं। एक्चुअली कि सीन क्या हुआ ना, निकलते निकलते अपने को बहुत टाइम हो गया, तो सोचे कि गौरीकुंड में ही हम लोग स्टे कर लेते हैं। तो हम लोग के पास वैसे कुछ था नहीं टेंट वगैरह, तो हम लोग ने एक रेंट पे टेंट लिया, जो कि आप देख सकते हो अच्छा खासा है, मतलब भाई लोग सो रहे हैं। क्या बोल रहे हो भाई? सो रहे भाई, किधर हो रहे तुम लोग, कितने बज रहे सैम भाई, बता दो जरा। तो टाइम हो रहे फिलहाल वैसे तो ज़्यादा नहीं, 7:30 हो रहा है, तो फिलहाल के लिए अभी एक टेंट में सोया हूँ मैं, अच्छा है, देखेंगे सुबह फिर से उठेंगे, 2 बजे तक उठेंगे, 2 बजे निकलेंगे फिर यहाँ से केदारनाथ की यात्रा के लिए, फिर आपको लेके चलते हैं वीडियो में। टेंट वैसे अच्छा मिल गया है, तो आप भी आओ अगर कभी तो टेंट वगैरह ले लेना, कुछ हुआ तो टेंट मिल जाता है। वैसे फिलहाल 1500 का टेंट है, बट अपने को मिला 1300 में मिल गया, तो अच्छा खासा है, मतलब सोने के लिए, एक रात बिताने के लिए, लेकिन ज़्यादा ही है फिलहाल। तो अगर आप आओ कभी तो टेंट वगैरह लेके आओ, कुछ भी इशू हुआ तो आप लगा के सो सकते हो कहीं पर भी, वो बेटर रहेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए सोने जा रहा हूँ, सोने जा। तो भाई साहब फाइनली अभी अब रात के 2 बज रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं अभी रात के 2 बजे यात्रा स्टार्ट करेंगे, तो सुबह में 9, 8, 9, 10 बजे अगर हम लोग पहुँच गए तो और अच्छा रहेगा, अपने को दर्शन वगैरह अच्छा मिल जाएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल जिस टेंट में स्टे किए थे, उस टेंट से भाई साहब निकल रहे हैं, क्योंकि मैं रेडी हो गया नहावा के, गौरीकुंड में नहाया, रेडी हो गया, बाल सूखे नहीं है। और मैं आपको एक नदी दिखाता हूँ, जो नदी 2013 में पूरे केदारनाथ को दुरुस्त कर दी थी, मतलब पूरे बहा दी थी केदारनाथ को, वो नदी हमारे पीछे, उस नदी के बाजू में सोचो हम लोग ने सोया था। तो आपको दिखाता हूँ मैं वो नदी, तो ये वही नदी है, देख रहे हो जल बह रहा है, गंगा बह रही है, तो इसी नदी से पूरा केदारनाथ 2013 में पूरा बह गया था, और इस टेंट में हम लोग सोए थे। तो अभी खाली है टेंट, तो हम लोग निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टेंट हैं देख सकते हो आप, अगर आपको आना रहेगा तो आप स्टे कर सकते हो। चलो हम लोग निकलते हैं भाई, चलो भाई साहब। जा भाई, क्या हुआ? अच्छा बनाना है। तो भाई साहब 16 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है गौरीकुंड से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो आप भी आओ तो पूरा व्यवस्था के साथ आओ। तो भाई साहब नज़ारे का मजा लीजिए, वेट करिए आपको दिखाता हूँ। ये देखो हम लोग केदारनाथ के ऑलमोस्ट करीब आ चुके हैं भोलेनाथ के दरबार में। तो ये देख सकते हो सब बर्फ वगैरह पहाड़, जो सच्ची बोल रहा हूँ ना, जो यात्रा का मजा है ना, बता नहीं सकता भाई जी, आप देख सकते हो जबरदस्त है यार, जबरदस्त। मंदिर दिखा दो भाई दूर से। मंदिर तो अभी भाई सामने दिख रही है, बट इधर से हमें नहीं लगता दिखेगा। ये सामने आप देख रहे हो क्या, इधर इधर ये मंदिर है भाई, ये मंदिर है। तो चलते हैं भाई आपको लेके उधर, ब्लॉग में बस बने रहिए, मजा आएगा आपको यात्रा करके भोलेनाथ की। Anything, yeah, we can make a
कैसा लग रहा है आपको भोले बाबा के दरबार में आके? अद्भुत नजारा है बाबा का, अद्भुत नजारा है भाई मेरे। आ जाओ को बर्फ दिखा दे भाई। स्वर्ग में बाबा क्या स्वर्ग में, सोचो भाई बोल रहे स्वर्ग में जा रहे भाई जी, भेजा है बुलावा। ओ भाई साहब बर्फ में एंट्री हो रही है भाई जी की, आप देख सकते हो बादलों में आ गए हम, स्वर्ग में आ गए हैं भाई। कुछ नीचे ये देखो स्वर्ग में आ गए भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारी स्वर्ग की यात्रा है भाई, साफ की भाई मेरे, बर्फ में मजे है मेरे भाई। भाई आकाश क्या कहना चाहोगे इधर आके? स्वर्ग है रियल में भाई, तो हम लोग स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं भाई, आपको भी करा रहे हैं भाई। तो कम से कम यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो जरूर भाई, इतना हम लोग आपके लिए माइनस में टेम्परेचर चल रहा है भाई, हमको तो ऐसा लग रहा है। आपको पूरा गाइड करेंगे मेरे भाई, गलत नहीं बोलेंगे, जो है वो बता देंगे, सब बताएंगे। लास्ट तक देखना मेरे भाई, बहुत मजा मिलने वाला है भाई, सच्ची बोल रहे हैं, एकदम बादलों में आ गए भाई जी। Sweetest song and our favorite song, and it feels like every time that it comes on, we just roll on till the day's done and the lights gone, and it won't take long. Even when I'm without you, when I'm without you, babe, so listen up and play along, yeah. And that's how. तो भाई साहब अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट करीब में भोलेनाथ के, जो कि आप देख सकते हो यात्रा चालू है भाई जी, पूरे बर्फ में चल रहे हैं हम लोग। भाई साहब बर्फ पड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो आप देख सकते हो आकाश भाई, और भाई पहली बार बर्फबारी में देख रहा हूँ, बहुत जोर का बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गया मेरे भाई। ये देखो ना, आप देख सकते हो लिटरली एक नंबर व्यू है यार, सब ले रहा हूँ। तो आकाश भाई क्या बोलते हो, चले आप आगे बढ़े भाई? जाते हैं, बर्फबारी पहली बार देख रहा हूँ, मजा आ रहा है भाई मेरे। तो भाई साहब कैसा लग रहा है आप बता सकते हो? बस इससे अच्छा कुछ नहीं है, स्वर्ग सही में, ये स्वर्ग ही है, स्वर्ग में ही आया भाई। जीते जाते स्वर्ग आना है तो केदारनाथ ही आओ, केदारनाथ आओ, अगर जीते जाते स्वर्ग देखना है तो। नीचे परीक्षा होती है लेकिन ऊपर जाके आनंद होता है, ऊपर जाके तो सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, भूल जाओगे कि नीचे क्या प्रॉब्लम था, कैसे आए हो। तो बड़े आगे एकदम बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कैसे व्यू मिलने वाला अपने को। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब हम लोग आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं, 1.5 किलोमीटर है, बाबा का दर्शन मिल जाएगा भाई। पीछे व्यू देखो मेरे भाई, व्यू देखो, बर्फबारी हो रही है भैया, पीछे हो जाए व्यू दिख जाएगा ऐसा भाई। तो आकाश भाई के हैवी के हिसाब से, वेट के हिसाब से इनको ठंडियां ज्यादा लग रही हैं, जो है वो है भाई मेरे, तो लग रही है तो मैं मना नहीं करूंगा, इसीलिए आकाश भाई की हाथे पे आया हूं। बड़ी बात है ना मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, तुमने बर्फ पड़ रहा है एकदम, ये देखिए बर्फबारी हो रही है, देख रहे हैं, पीछे दिखा मेरे। तो भाई साहब आप देख सकते हो हम लोग इधर पे पहुंचे हैं, जो कि 1 किलोमीटर पहले है। तो कैसा भी हुआ आप खुद कमेंट में बताना, बर्फ कितने पड़ रहे हैं आप देख सकते हो। ये सब पूरे टेंट है जो कि आप इसमें स्टे कर सकते हो अगर आप इधर आ रहे हो भाई साहब, और देख रहे हो आप यात्रियों की एकदम लाइन लगी हुई है भाई, आना भाई, हर हर महादेव, हर महादेव। तो भाई साहब आगमन हो चुका है हमारा केदारनाथ के, इधर एंट्री गेट सामने दिख रहा है मेरे को, आप तो देख ही सकते हो भाई जी, हार्दिक स्वागत करता है लिखा है, इधर देखिए, इधर भी देखिए, यहाँ पे दिखा दे भाई व्यू,
महादेव को बर्फ बहुत पसंद है मेरे को। तो आपको व्यू दिखाता हूँ इधर का, बाबा दिखाई देके सब्र करो। इधर एंट्री करने के बाद ऐसा व्यू है भाई, देखो पानी जम गया मेरे भाई, पानी दिखा दे मेरे भाई, दिखाया ना भाई, ये सब पानी है, पूरा जम गया, बर्फ हो रहा है धीरे धीरे। इधर ये देखो, Hold on, I can feel it coming, covering us over like a wave. Hold on, I can feel it covering us over like a wave. तो भाई साहब अभी हम पंजीकरण के लाइन में खड़े हैं, तो अभी इधर पंजीकरण होता है, अगर आप जब भी दर्शन करने जाते हैं रजिस्टर किए ना वो यहाँ पे चेक कराना है भाई। हाँ, क्योंकि क्या होता है भाई, लोग गुम हो जाते हैं, तो इसलिए वो जरूर चेक कर देंगे, तुमको पता चलेगा कि भाई ये बंदा गुमा है। हाँ, तो उसको ढूंढ सकते हैं आराम से, तो इधर रिकॉर्ड में रहता है ना, क्योंकि तो इसलिए अच्छा है। तो हम लोग लाइन में है अभी, मैं आकाश और गोस्वामी, तो बर्फ तो बहुत पड़ रहा है, देखो आपको व्यू दिखाता हूँ। तो भाई साहब फाइनली दर्शन वगैरह हो चुका है, तो अभी मैं दर्शन करके रेडी हूँ यहाँ आपको व्यू दिखाने के लिए, और दर्शन भी आपको कराऊंगा। और भाई इतना स्नोफॉल हो रहा है ना, मतलब इतनी बर्फ गिर रही है, तो आप सोच नहीं सकते हो कितनी बर्फ गिर रही है, मतलब ये सब जो है ना सब बर्फ ही है पूरा, देख सकते हो बहुत बर्फ है यार। तो आपको फटाफट बिना देरी करते पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ बाबा भोलेनाथ का, चलो। तो भाई रेडी हो जाओ दर्शन करने के लिए, तो आप पहले दर्शन करिए इधर का बाबा भोलेनाथ का, केदारनाथ। तो भाई साहब फाइनली हम लोग का दर्शन वगैरह सब कुछ हो चुका है, बहुत मजा है, लिटरली सच्ची बोल रहा हूँ, आप भी आओ तो कभी दर्शन करो, बहुत अच्छा था। बोलते ना जीते जी अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको आना चाहिए, बहुत अच्छा था। तो भाई साहब आते आते रास्ते में मेरे से बहुत जन मिले, मतलब आप तो वीडियो में देख ही रहोगे, और भी मतलब लोग मिले, तो आपको उनसे मिलाता हूँ, सब भाई यात्रीगण है, दोस्त बन गए हमारे भाई, सब दोस्त बन गए भाई हमारे, बस में दिल्ली से आ रहे थे भाई साथ में, सही था। तो क्या बोल रहे हो भाई, अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा भाई, आ गए हम लोग, हेलो भाई बढ़िया है, और कुछ कहना चाहोगे मौसम के बारे में? सब बढ़िया जी, बढ़िया ना, बढ़िया सफर कैसा रहा भाई? सब बढ़िया, सफर का सफर रहा, फूलों की बारिश हुई है, फूल पे फूलों की बारिश हुई है, फूलों की बारिश हुई है भाई, आप भी आ सकते हो, बस सेफ्टी का ध्यान दो, सब लेके आओ ठंडे कपड़े, की कुदरती बारिश हुई है, सोचो मई का मंथ चल रहा है, सबसे गर्मी वाला महीना चल रहा है भाई, फूलों की बारिश हुई है, फूलों की बारिश हुई है, मई का पहला दिन, पहला सोमवार, पहला सोमवार दर्शन, पहला सब लोग हर 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 महादेव बोल दो, हर हर महादेव, जय करण भोले बाबा का, बोल शंकर भगवान की जय, जय जय महादेव। तो भाई साहब आप देख सकते हो यात्रीगण सब सफर कर रहे हैं, जाते हैं हम अपने, अभी हम लोग तो निकल रहे हैं भाई, घर पे मिलते हैं आपको, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।